उस गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। वोट लेने के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, अब हम मांग करने के लिए नाली साफ करवाने के लिए क्या विधायक जी के यहाँ जाएंगे? ठीक ठाक है विधायक हैं, अच्छा नहीं करते, बुरा भी नहीं किसी का करते। जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, यही होना चाहिए कि कोई नया विधायक हो। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पेप्टिक की टीम आज राजनगर विधानसभा में आई हुई है और हम राजनगर विधानसभा के चंद्रनगर में हैं। यहां पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि इनके क्षेत्र में किसका माहौल है, क्या चुनावी हाल है और हवा किसकी है। क्या नाम है चाचा आपका? छोटे। क्या हाल है आपकी विधानसभा के, कौन उम्मीदवार लग रहा है और क्या कैसी विकास कार्य की योजनाएं रही? हम तो बबलू हैं, चाह रहा है बबलू घंटे घाट में लो जाइए। अबे जो मौजूदा विधायक है नाथी राजा, उनसे संतुष्ट नहीं है? संतोष है लेकिन नहीं है। कौन पार्टी लग रही है बार की आ सका तांगे? ये आ जाइए, हमारी तरफ से बबलू भाई। और हमारे साथ और कुछ एक लंबा युवा वर्ग भी हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद कुशवाहा। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। क्या चुनावी हाल है आपकी विधानसभा में, आपके चंद्रनगर इलाके से चाहते हैं कि बबलू भैया को टिकट दी जाए, क्योंकि बदलना चाहते हैं विधायक। वर्तमान विधायक से मतलब क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। विधायक जी कह के गए थे अवतपुरा गाँव में भी कि यहाँ पर धर्मशाला अलग से बनेगा, नाली बनेगी, कुछ नहीं हुआ है। तो काय की इसलिए बल्द जान जो साजिए फिर तो। और भाजपा के जो उम्मीदवार अपना दावा पेश कर रहे हैं उनसे कुछ? उनसे हमको उससे नहीं है मालूम। आपका क्या नाम? राज कुशवाहा। आपका क्या रुख है चुनाव के लेकर? चुनाव का रुख ये है कि बबलू भाई साहब को टिकट दी जाए बीजेपी से। जी बस यही चाहते हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान में विधायक है वो उससे कोई विकास नहीं हो रहा है, ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है और ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। आपका क्या नाम है? रामदयाल कुशवाहा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या स्थिति है आपकी विधानसभा की, क्या हाल है, किसकी हवा है? ये है कि बबलू भाई साहब टिकट मिलना चाहिए, उन्हीं का हमें वोट देना है। हमारा क्या वो है? वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, उससे कुछ नहीं है। हमारे बबलू भाई साहब टिकट मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुशवाहा है। जी आप क्या करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूं सर। जी क्या रुख है आपकी विधानसभा में, किसकी हवा है, किसको देखते हैं आप? हमारे यहाँ हवा की बात करी जाए तो सर, हवा हमारे यहाँ नाती राजा जी की भी है और उन लोगों से जो नाती राजा जी है उनसे संतुष्ट नहीं है जनता। जनता इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हमारे यहाँ आप अभी देखिए, चाहे चंद्रनगर को देख लीजिए, चाहे भटियापुरा को, अवतपुरा को, कोई भी जो छोटे हुए गांव लगे हुए हैं चंद्रनगर कस्बा से, उस गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास की बात करी जाए ना शिक्षा से लेकर कोई है, और हमारे यहाँ अभी स्कूल में बात करी जाए तो ना कोई टीचर आता है। आज हमारे यहाँ बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, परेशान हैं, शिक्षा का कोई नहीं है। और साफ़ सफाई की बात की जाए तो इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, ना नाली, कभी कोई साफ़ सफाई होती ही नहीं है। हमारे यहाँ ना विधायक कभी आते हैं ना चेक करते हैं, और इसीलिए सरकार भी वही सब कर रही है। आप लोग जाके विधायक जी से कुछ मांग नहीं करते हैं या फिर विधायक जी इधर आके दौरे और कुछ करते हो? सर, विधायक जी से मांग करने की अगर बात करी जाए, जब वोट लेने के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, अब हम मांग करने के लिए नाली साफ करवाने के लिए क्या विधायक जी के यहाँ जाएंगे? विधायक जी के यहाँ जाएँ आप ही बताइए। नाली जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो विधायक जी कोई भी विधायक हो हमारे यहाँ आते हैं, भाई साहब वोट देना वोट देना, हम लोग वोट भी देते हैं। लेकिन आज शिक्षा की बात की जाए तो किसी प्रकार का कोई है ही नहीं। स्कूल लगते हैं तो 12 बजे टीचर जाता है, 10 बजे का टाइम है, 12 बजे टीचर जाता है, कोई चेक करने वाला आ ही नहीं रहा। साफ़ सफाई की बात की जाए तो अभी आप चंद्रनगर चलिए, इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है कि वहाँ से निकलने के लिए तकलीफ हो रही है। वहाँ बच्चे जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं। अभी भटियापुरा चलिए आप, नाली तो ठीक है भाई साहब, इतनी गंदगी पड़ी है कि वहाँ पर जाने के लिए बड़ी मुश्किल जा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग तो जाते हैं तो कई गिर जाते हैं। अभी हमारे दादाजी गिर गए थे एक दिन, परसों के दिन, तो बड़ी समस्या हुई, कोई नहीं आ रहा, ना कोई विधायक आता है, कोई नहीं आता है। जो सरकार बनी हुई है वो सबसे ऐसे ही है, कुछ नहीं है। किसको देखते हैं तो आप जनप्रतिनिधि के रूप में? जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का विधायक इसलिए होना चाहिए कि जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो कह तो सकती है। अब हमारे पास 50 रुपए नहीं, हम कहाँ जाएं विधायक के घर? हमारे क्षेत्र का विधायक होगा, हम जाएंगे कि सर
हमारे यहाँ भाई साहब हमारे यहाँ करवाइए, तो हमारा क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ। क्या नाम है चाचा? जी मेरा नाम मथुरा प्रसाद कुशवाहा है। क्या समस्याएं हैं पूरे क्षेत्र को लेकर जिसको विधायक जी से इस पर चुनाव में रुख बदलेगी? यही होना चाहिए कि कोई नया विधायक हो तो हम युवाओं की समस्या सुने। ठीक है, फिलहाल विधायक हैं जो वो ठीक ठाक विधायक हैं, अच्छा नहीं करते, बुरा भी नहीं किसी का करते। योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? देखिएगा, इसमें हम लोगों को योजनाओं का लाभ कहाँ मिलेगा? अगर हम लोगों की कोई गरीब अगर बच्चे कोई गुनाह भी ना करे, अगर उसकी रिपोर्ट करे, तो हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े क्या, वो तो घर घर ही नेता हैं बीजेपी के इस गांव में। ठीक है, तो हम लोगों की कहाँ सुनने वाले, कोई नहीं सुनता। इसलिए मेरी तो यही गुजारिश है कि हमारा ही विधायक होना चाहिए। पिछली बार भाजपा थी बहुत कम मतों से जीतती जीतती रह गई थी, इस बार क्या रुख है भाजपा का विधानसभा क्षेत्र में? ये तो जनता ही तय करेगी कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिलहाल तो हम बदलाव ही चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महिंगन कुशवाहा। क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार का चुनाव लड़ते हैं? बढ़िया ठीक है। विधायक जी से कैसे संतुष्ट हैं आप लोग? बबलू भाई के यहाँ संतुष्ट। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने हमसे बात की है। हम राजनगर विधानसभा के चंद्रनगर क्षेत्र में थे, जहाँ पर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमसे बात करने आए थे। इनसे हमने बात करी और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इनसे बात करी है। फिलहाल आगे की हवा किसकी है कार्यक्रम के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम के लिए। नमस्कार।